हूँ जिसे परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से एकमात्र परिवार को बचाया। नूह उसके बेटे ने जब आंखों पर कंट्रोल नहीं किया, आंखों से पाप किया, तो उसने अपने बल से, अपनी ताकत से तो देश बसा लिए, जातियों, कुलों, भाषाओं के अकॉर्डिंग पूरे संसार में अपने देश बसा लिया, अलग अलग फैल गया, लेकिन परमेश्वर ने उनके पास वो रहने नहीं दिए। हालेलुया, परमेश्वर ने उनके पास वो रहने नहीं दिए क्योंकि पाप का वंश थे, पाप के द्वारा उनकी नींव रखी गई थी, पाप फाउंडेशन थी। उसके बाद भले ही वो देश फैले, वो वंश फैले, बड़े देश बन गए, लेकिन परमेश्वर कहता भले ही तूने बसा लिया लेकिन मैं तेरे पास रहने नहीं दूंगा। तो वो सारे देश परमेश्वर ने अपने प्रिय मित्र अब्राहम को दे दिए कि हम जो पाप का वंश वो फैल गया, उसने अपने बल से देशों के देश बसा लिए, कनाजी, मोरी, हित्ती, गर्गाशी, कनानी, तपुओं ने पूरे देश बसा लिए, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी देशों को, खुदावन ने अपने प्रिय, जो कि पवित्र था, जो दाएं से बाएं नहीं परमेश्वर से मुड़ता था, वो अब्राहम जो परमेश्वर के वचन को, चाहे वो टफ हो, चाहे वो कठिन हो मानने में, जा आसान हो, परमेश्वर ने उसे दिया। वो अब्राहम जिसने परमेश्वर के वचन को एज इट इज पूरा किया, तब भी जब कठिन था, जब परमेश्वर ने बोला कि अपना घर बार छोड़ के, अपना कुटुंब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्राय देश में चला जा, तो उसने एक मिनट नहीं लगाया, लिखा है कि वो तड़के उठा और चला। वो अब्राहम, उसे परमेश्वर ने सारे देश दिए, जिसने अपने एक मात्र पुत्र, जिसने पूरी लंबी आयु तक उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर से प्रार्थनाओं के बाद मिला पुत्र, एक सेकंड नहीं लगाया, जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि इसे कुर्बान कर दे तो कुर्बान करने के लिए निकला। उस अब्राहम को जो फेथफुल था, जो परमेश्वर का प्रिय मित्र ठहरा, परमेश्वर ने हाम का वंश, जो कि पाप से पैदा हुआ, कैसा कलीसिया की नजर में आंख से देखना शायद छोटी बात होगी कि हमने फोन पर कुछ गलत देख लिया, इंटरनेट पर कुछ गलत देख रहे हैं, तो आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बड़ी बात है। हमने अपने पिता को नंगा देखा तो परमेश्वर ने उसके जनरेशंस को, वंशों को श्रापित किया, उसके पूरे वंशों के द्वारा बसाए गए देशों के देश खुदा ने अब्राहम को दे दिए। हालेलुया। सो 15 अध्याय उसके 18 से पढ़ेंगे कि यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर प्रात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों और पाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों, यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। क्लीसिया कहे आमेन। सो ये सारे देश अगर आप फिर से ध्यान से पढ़ो, कनानी कौन थे? हाम का बेटा था कनान, और उसके द्वारा जो देश बसाया गया वो कौन हो गए? कनानी। सो उसके पोतों का कौन सा था? हाम के गिरगासी, एमोरी, प्रिज्जी, हित्ती, यबूसी, ये सारे हाम के वंश थे, और परमेश्वर ने ये सारे देश खुदावंद ने अब्राहम को दे दिए। खुदावंद कहता तो तूने अपनी नींव जो है वो पाप पे रखी, सो इसलिए भले ही तू अपने बल से जितना मर्जी अपना बिजनेस फैला ले, झूठ करप्ट से, भ्रष्टाचार से, चोरी से तू चाहे जितना मर्जी फैल जाए, तेरी नींव गलत है, तेरी नींव परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, सो इसलिए मैं वो सारा कुछ जो तूने कमाया मैं एक धर्मी को दे दूंगा। हालेलुया। सो इसलिए पवित्रता इंपॉर्टेंट है, इसलिए पवित्रता इंपॉर्टेंट है, जो पाप पर नींव रखी और जिन्होंने वो शुरली की तरह परमेश्वर कहते हैं कि आसमान गए और ठप हो गए, लेकिन जो पवित्रता के ऊपर बने हुए और बैठे हुए वह सदियों तक और लंबे लंबे समय तक और सालों के साल परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, और उन लोगों को जो उनके खिलाफ, उन सच्चे नबियों के खिलाफ, जो परमेश्वर के सच्चे लोगों के खिलाफ जो एक प्लॉटिंग करते हैं, परमेश्वर उन्हें एक्सपोज करता है, वो शर्मिंदा होते हैं, और वो भी फिर घूम घाम के वो भी उन सच्चे लोगों के पास आते हैं। हालेलुया। हमने ये देखा है अपनी लाइफ्स में, सो अपने लाइफ्स के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अब्राहम को खुदावंद ने हाम के पाप के वंश के सारा कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया। सो अपनी आंखों को बंद करके, हाथ को उठा के कहें कि परमेश्वर आज से मैं पवित्रता में चलूंगा, हर एक छोटी चीज जिसमें परमेश्वर पाप जुड़ा हुआ है उस पाप से मैं तौबा करता हूँ, आज से अपनी आंखों पर कंट्रोल, अपनी सोचों पर कंट्रोल, अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखूंगा। आमीन।